सारेगामा कारवा 2.0। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अभिमन्यु काक सिर्फ आपके लिए यहां पे हाजिर हूं। अब अपनी आंखों से आपको दिखाता हूं भारत के वो विभिन्न शहर जहां पे आपकी एक वेकेशन तो बनती है। आइए चलते हैं आज नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट के एक ऐसे रीजन में जिसे गेटवे टू नॉर्थ ईस्ट भी कहा जाता है, हम बात कर रहे हैं आसाम के सबसे बड़े शहर के बारे में, गुवाहाटी। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा ये शहर आसाम का सबसे बड़ा और सबसे डेवलप्ड शहर है। इस शहर की बात ही कुछ और है। जैसे ही आप इस शहर में कदम रखते हो, आपको हर गली, नुक्कड़ और दुकानों में सिर्फ गाने बजते हुए सुनाई देते हैं। गुवाहाटी तक आपको फ्लाइट्स बहुत आसानी से मिल जाएंगी। वहां का एयरपोर्ट एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इसलिए वहां से कुछ इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी टेक ऑफ और लैंड करती हैं। मेन सिटी के अंदर हर तरफ से गाड़ियां और लोगों की चहल पहल रहती है। यहां गुवाहाटी में आपको लोकल बसेस, ऑटो रिक्शाज और प्राइवेट कैब्स भी आपको आसानी से मिल जाएंगी। वहां लोग असमीज भाषा बोलते हैं, जो बंगाली भाषा से काफी मेल रखती है। अगर आप बंगाली हैं या आपको बंगाली आती है तो आप असमीज को बहुत आसानी से समझ जाएंगे। वहां के लोग बहुत सिंपल हैं और ज्यादातर लोग किसान होते हैं। गुवाहाटी शहर से बाहर निकलो तो आपको बड़े बड़े चाय के बागीचे भी मिल जाएंगे। आपको मैं ये भी बता दूं कि आसाम में राइस एंड चेयर की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से आपको काफी खेत नजर आएंगे। असमीज लोग सुपारी खाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, इसीलिए जब आप किसी के घर जाएंगे ना तो आपका स्वागत सुपारी और पान से जरूर किया जाएगा। वहां लोग सुपारी को भगवान के आगे पूजा घर में भी रखते हैं, बल्कि बड़ों से आशीर्वाद लेते समय वो सुपारी को एक पानदान में आगे रख के उनका सम्मान करते हैं। अगर आपको भी सुपारी खाना पसंद है तो वो आपको किसी भी दुकान में मिल जाएगी बहुत आसानी से, इट्स रियली इजी, और बहुत कम दाम में मिलेगी। लेकिन अगर आपको आसाम के पान का मजा लेना है तो वो आप उन्हीं के स्टाइल में खाइएगा, ना कि वैसे जैसे आप आमतौर पर खाते हैं। क्योंकि असमीज लोग मछली बहुत ज्यादा खाते हैं, यहां पे तो आपको मछली डेफिनेटली खानी चाहिए। हर रोज करीब 6 बजे ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे मछुआरे अपनी मछली की दुकान लगा देते हैं। वहां आपको तरह तरह की मछलियां नजर आएंगी, वो भी जिंदा, क्योंकि मछुआरे उन्हें बस पकड़ के लाए होंगे। असमीज लोग ज्यादातर राइस खाते हैं, तो आपको शायद तंदूरी नान या रोटी बहुत आसानी से नहीं मिलेगी। यहां पे लोग ज्यादा स्पाइसी खाना नहीं खाते, इसलिए आपको ज्यादातर फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स और तरह तरह का नॉनवेज खाना मिलेगा, जैसे कि पिजन, डक, पॉक या चिकन मीट एटसेट्रा। गुवाहाटी में रहकर गुवाहाटी की ट्रेडिशनल असमीज थाली अगर नहीं खाई तो आपने बहुत बड़ी चीज मिस कर दी। इसलिए कह रहा हूं, किसी भी रेस्टोरेंट में जाइए और जाके मजा लीजिए। जिस भी रेस्टोरेंट की असमीज थाली खाएंगे आपको बहुत मजा आएगा। आपको बता रहा हूं ना, मेरे मुंह में अभी भी वो असमीज थाली का टेस्ट आ रहा है, उस खाने का टेस्ट आ रहा है। यम्मी इट वॉज। आसाम के कुछ खास लोकल क्यूजींस हैं, जैसे कि मसूर तेंगा, जिसे खट्टी मछली भी बोलते हैं, आलू पटीका, जिसे आलू चोखा बोलते हैं, लाल साग, जिसे सरसों का साग कहते हैं, पारो मंगसो, पिजन मीट, खार, पपाया और चिकन या फिर कोई और मीट से ये बनाई जाती है। यहाँ तरह तरह का स्ट्रीट फूड भी आपको खाने मिलता है, छोले भटूरे, चाट्स, पानीपुरी, परांठाज, रोल्स, ये सब अगर आपको पसंद है, यू नेम इट एंड दे हैव इट। मीठा खाना अगर आपको पसंद है तो फिर आपको बहुत सारी दुकानें वहां मिल जाएंगी जहां पर आपको ट्रेडिशनल इंडियन स्वीट्स, जिसे कहा जाता है, उनका टेस्ट करने मिल जाएगा। शॉपिंग के लिए सबसे अच्छी जगह है गुवाहाटी की फैंसी बाजार। शहर के बीचों बीच बसने वाले इस मार्केट में आपको ब्रांडेड कपड़ों से लेकर स्ट्रीट क्लोथ्स तक सब कुछ मिल जाएंगे। लेकिन जो आसाम की शान है वो है आसाम का सिल्क, जो कि सिल्कवॉर्म से बनता है। यहां लोगों के ट्रेडिशनल ड्रेस को मेखला चादर कहते हैं। दिखने में वो आपको साड़ी जैसा लगता है, लेकिन साड़ी से बिल्कुल अलग है। रंग बिरंगी मेखला चादर हर असमीज लड़की को पहनते हुए आप देखोगे। अगर आपको अपने लिए एक मेखला चादर खरीदनी है तो फैंसी बाजार के बहुत सारे फेमस सिल्क शॉप्स हैं जहां से आप जाके ये खरीद सकते हैं। वैसे तो असम सिल्क की कई वैरायटीज मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन अगर आपको ओरिजिनल कपड़ा खरीदना है तो आप किसी भी राह चलते इंसान से मदद मांग सकते हैं। हिचकिचाइए बिल्कुल मत, दोज पीपल आर वेरी वेरी सपोर्टिव। गुवाहाटी शहर में देखने के लिए बहुत कुछ है, पर सबसे जरूरी जगह है माँ कामाख्या का मंदिर,
जिसमें 51 यानी 51 शक्तिपीठ हैं और इस मंदिर को बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है। बाहर से आप इस मंदिर के आर्किटेक्चर को देखिए, लेकिन मां के दर्शन के लिए बहुत ही छोटी छोटी सीढ़ियों से मंदिर के अंदर घुसना पड़ेगा। कामाख्या टेम्पल के अलावा यहां पोबिटोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, जहां आपको बहुत आसानी से वन हॉर्न राइनोज दिख जाएंगे। इस सेंचुरी में आपको तेंदुए, जंगली सुअर, बिसन, हाथी वगैरह ये सब भी दिख जाते हैं। सो इफ यू लव वाइल्ड लाइफ देन दिस इज द प्लेस फॉर यू। दोस्तों आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड आसाम में है? जी हां, मजूली, जो आसाम में दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है। यहां तक कि दुनिया का सबसे छोटा रिवर आइलैंड भी गुवाहाटी में है, उसका नाम उमनाडा है। उमनाडा एक बहुत ही छोटा सा आइलैंड है, जहां तक पहुंचने के लिए आपको ब्रह्मपुत्र के पार से फेरी बोट लेनी होगी। इस आइलैंड में एक मंदिर है जो बहुत ही प्रसिद्ध है और कुछ बंदर जो गोल्डन रंग के हैं। हाँ, कहा जाता है कि ये बंदर सिर्फ इसी आइलैंड में पाए जाते हैं और बाहर से बड़े बड़े साइंटिस्ट इस आइलैंड में आते हैं इन बंदरों के बारे में और ज्यादा जानकारी लेने के लिए। गुवाहाटी शहर में कब सुबह से शाम हो जाती है बिल्कुल पता नहीं चलता। इस चहल पहल वाले शहर में अगर आपको थोड़ा एकांत वक्त चाहिए अपने लिए, तो सीधा ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे चले जाइए। वहां घंटों बैठे बैठे आप सनसेट का मजा ले सकते हैं, और अगर आपका मन करे तो एक फेरी में बैठकर ब्रह्मपुत्र की सैर भी कर सकते हैं। अब क्योंकि गुवाहाटी में गर्मी बहुत ज्यादा होती है, तो यहां घूमने के लिए सबसे अच्छा टाइम होता है नवंबर से अप्रैल तक। अप्रैल में असमीज लोगों का मेन फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जाता है, जिसे बीहू के नाम से जाना जाता है। इस समय आपको हर जगह अलग अलग खाने के स्टॉल्स लगे नजर आएंगे और लोग अपने घरों में अलग अलग किस्म की मिठाइयां बनाते हैं, जिसे असमीज में पीठा कहते हैं। ये फेस्टिवल गाने बजाने का, खाने का और कल्चरल डांस के बारे में होता है। लोग अपने खेतों में पिकनिक करते हैं और देर तक नाचते रहते हैं। काफी दिलचस्प नजारा होता है। बीहू के टाइम पर अगर आपको बीहू देखना और एंजॉय करना है, तो अप्रैल सबसे बेहतरीन मंथ है। अब मुझे उम्मीद है कि आप जल्दी ही गुवाहाटी को अपनी वेकेशन लिस्ट में शामिल करोगे, और जब आप गुवाहाटी से वापस आओगे, विच इज गोइंग टू बी एज सून एज पॉसिबल, तो मैं आपको एक और भारत के कमाल के शहर के बारे में मिलूंगा। तब तक के लिए ख्याल रखिए, और हां, असमीज में दोहिनो बात। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। मिलन की मस्ती भरी आंखों में, हजारों सपने सुहाने लिए। हो चला जाता हूँ के नजारे हैं तो ऐसे में संभलना कैसा, मेरी कसम जो लहराती डगरिया हो तो फिर क्यों ना चलूं मैं बहका बहका रे। मेरे जीवन में ये शाम आई है मोहब्बत वाले जमाने लिए। हो चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। जब होगा वो जब मेरे करीब आएगी, मेरी कसम कभी पैया छुड़ा
कभी हंस के गले से लग जाएगी, हाय मेरी बाहों में मचल जाएगी वो सच्चे झूठे बहाने लिए। हो चला जाता हूँ किसी की धुन में धड़कते दिल के तराने लिए, चला जाता हूँ किसी की धुन में धड़कते दिल के तराने लिए। चला जाता हूँ किसी की धुन में।